नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी के पास कॉल करते हैं और कॉल करते ही समय आपके मोबाइल का जो इंटरनेट डाटा होता है वो चलना बंद हो जाता है, ऑफ़ हो जाता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे मोबाइल का इंटरनेट डाटा है यहाँ पे ऑन है, लेकिन दोस्तों जब मैं किसी के पास कॉल करूँगा या हमारे फ़ोन में किसी का कॉल आएगा हमारे पास, तो हमारे मोबाइल का जो इंटरनेट डाटा है वो अपने आप चलना बंद हो जाएगा। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे आप मोबाइल इंटरनेट डाटा वाला जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल की जो सेटिंग है उसके अंदर आपको चले आना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर फ़ोन की जो सेटिंग वो ओपन हो चुकी है। अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे ऊपर, नेटवर्क एंड इंटरनेट या सिम कार्ड एंड नेटवर्क मोबाइल या मोबाइल नेटवर्क, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहीं पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क देखने को मिलेगा, तो आपको दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का एक नया ऑप्शन ओपन होगा। अब यहीं पर आपको एक सेटिंग को इनेबल करना पड़ता है और ये सेटिंग के अंदर होता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कैसे इसको ऑन किया जाता है। तब जाके हम किसी के पास कॉल वगैरह करेंगे तो जो मोबाइल इंटरनेट का डाटा है वो बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको इंटरनेट एसेस ड्यूरिंग कॉल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये हमारे फ़ोन के अंदर ये सेटिंग ऑन है, मतलब ऑफ है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से ऑन कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इस सेटिंग को ऑन कर दिया है। अब हमारे पास कोई कॉल करता है तब भी हमारे मोबाइल का जो इंटरनेट डाटा है वो बंद नहीं होगा। अगर मैं इधर से किसी के पास कॉल करूँगा अपने फ़ोन से, तब भी हमारे मोबाइल का डाटा बंद नहीं होगा। बस केवल आपको यही एक छोटी सी सेटिंग को ऑन कर देना है, फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब दोस्तों आपने ऑन कर दिया है, अब आप फ़ोन वगैरह लगाकर किसी के पास चेक कर सकते हैं कि कॉल करते समय मोबाइल डाटा इंटरनेट चालू है कि बंद है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए नई वीडियो में फिर से मिलते हैं।